तो ये है मेरे सह प्रवासी श्रीमान गुट्टे सर और श्रीमान पाटिल सर, इनके साथ हम सफर का लुफ्त उठा रहे और काफी रोमांचक ये सफर रहा। पिछला जो हिस्सा था, जैसा कि मैंने बताया, काफी वाहियात रास्ते थे, लेकिन अभी रास्ते अच्छे हैं। और बात करें इस कार की जिसमें हम बैठे, टाटा नेक्सन, तो इसका सस्पेंशन काफी अच्छा है। हम कल के दिन में 500 किलोमीटर का जर्नी कर लिए, लेकिन इसके अंदर ज़रा भी हमको फील नहीं आया कि ये 500 किलोमीटर का जर्नी था। इवन तो हमको नींद भी ऐसा नहीं था कि नीडेड थी, उतना स्टैमिना और एनर्जी हमारे अंदर थी। तो गाड़ी के सस्पेंशन और कंफर्ट लेवल की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। आप टाटा नेक्सन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं काफ़ी कार में बैठा हूँ, लेकिन ऐसा वाला फील कहीं पर भी मुझे नहीं आया। थैंक्स फॉर सावन सर टू ब्रिंग मी हेयर। अभी आगे का बात फिर से हम करेंगे, टिल देन हम करते हैं बाय बाय। जैसा कि अब आप सुन रहे हैं, हम हैं अभी कर्नाटका में। कर्नाटका के हाईवे पर चल रहे काफी खराब रास्ते को पार कर फाइनली अब हम बीजापुर के हाईवे पर है। हाईवे वैसे तो अभी ठीक लग रहा है, कि इससे पीछे जो 30 किलोमीटर हमने पार किया, काफ़ी वाहियात और घटिया रास्ता था। कर्नाटक गवर्नमेंट को इसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। यहाँ पर कमाल होती है ड्राइवर की, जब ड्राइवर को काफ़ी बारी शिफ्ट करना पड़ता है गियर, वो पेशेंस लेवल जो है यहाँ पर दत्ता सावंत साहब ने बताया है। और सबसे बढ़िया यहाँ पर बात यह है कि ऐसे पेशेंस का परिचय ये हमेशा देते हैं, लेकिन उतना ही गलत बात है, कर्नाटक गवर्नमेंट के रोड पर हर 10 फुट बाद एक स्पीड ब्रेकर लगाया गया है। इसका सेंस क्या है पता नहीं, लेकिन पता करना होगा किसी कर्नाटक वाले से बात कर। तो चलिए अभी हम दूसरे बाइट के लिए घुमाते अपने कैमरा को। हम कल से चल रहे हैं 500 किलोमीटर, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया हम पूरा कर चुके हैं और एक रात का ब्रेक हमने लिया। पाटिल साहब है हमारे साथ, इनका घर था यहाँ पर मंगलवेड़ा में, वहाँ पास ही इनके गांव में हम रुके और सुबह फ्रेश होके हम फिर से चले हैं। अभी हमने एक छोटा शॉर्ट ब्रेक लिया था और हमारे साथ उनके पिताजी हैं, और अब हम जा रहे हैं बीजापुर की तरफ। अगली जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे और अब हम बात करते हैं हमारे बाकी सहकर्मियों के साथ जो हमारे साथ प्रवास कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं बीजापुर, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छा स्मूथ रास्ता अभी दिख रहा है सामने से, लेकिन अभी बोला रूपेश सर ने कि 10 मिनट की दूरी पर एक स्पीड ब्रेकर यहाँ पे मिलता है, तो इसी वजह से स्पीड कम करना पड़ रही है। ये जो रास्ता है तकरीबन मंगलवेड़ा जहाँ से हम आज सुबह निकले वहाँ से 80 किलोमीटर है, तो बहुत ही बेहतरीन ये जो गाड़ी है नेक्सॉन XMS मॉडल, इसका सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया है। अभी हम वहाँ पे जाके वहाँ का जो गोल घूमट है उसकी भी हिस्ट्री क्या है वो भी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ से हम सीधा नीचे से ये ब्रिज पार करके यहाँ से हम आगे का जर्नी हमारा चालू है। ये जो हिस्ट्री है, ये बीजापुर का जो गोल घूमट है उसको गोल घूमट भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार आवाज़ निकलने के बाद 7 बार उसकी आवाज़ आती है, तो उसे गोल घूमट भी कहते हैं। उसको कंस्ट्रक्शन तकरीबन 30 साल चला। वो एक कबर है, वो हदीशा जो है उसकी वो कबर है, ऐसा उसका थोड़ा सा हिस्ट्री। वहाँ पे जाने के बाद हम डिटेल आपको वो हिस्ट्री शेयर करने वाले हैं। बीजापुर बोलने के बाद हमको हिस्ट्री के कुछ पन्नों में की कुछ लाइनें याद आ जाती है। बीजापुर सा आदिल शाह मराठी के इतिहास के हिस्ट्री की किताब में ये लाइन कभी हमने सुनी थी, आज उसके बारे में जानने का मौका हमको मिल रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं बीजापुर की तरफ और आपको डिटेल में बताएंगे कि यहाँ क्या हिस्ट्री और क्या यहाँ के पहलू रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बीजापुर के हाईवे पर हम चल रहे हैं। ड्राइवर होने के नाते कुछ मेरे अनुभव जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, भारत में आप कहीं पर भी जाओ आपको जो रास्ते हैं एक जैसे ही मिलेंगे, खराब भी मिलेंगे अच्छे भी मिलेंगे, दोनों बातें हैं इसमें।
हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं नेशनल हाईवे है, बहुत बड़ा हाईवे है, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है ये दोनों स्टेट को जोड़ने वाला हाईवे है और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से लेकर यहाँ पर ये सीधा पहुँचता है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसे भारत की हिस्ट्री में बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। और अगर आप रास्तों के बारे में जानना चाहोगे तो मैं कहूँगा सब एक जैसे ही है। अब हम जिस रास्ते से आ रहे हैं, यहाँ पर इस रास्ते का काम शुरू है, हम मंगलवेढ़ा से बीजापुर आ रहे हैं, हम डायरेक्ट सोलापुर से बीजापुर नहीं आ रहे हैं। मंगलवेढ़ा से लेकर एक 20-30 किलोमीटर अच्छा रास्ता है, यही हाईवे है। उसके बाद उससे आगे निकलने के बाद इतना खराब रास्ता है, बहुत खराब रास्ता, और उस रास्ते पर हर बार गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं और गाड़ी चलानी एक कसरत बन जाती है। बहुत सारी दिक्कतें आती है जब आप ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाते हो। गाड़ी अच्छी है ये नेक्सॉन, तो उतनी दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर भी अगर आपको लंबा चलना है, गाड़ी चलानी है, तो पहले आपको यहाँ पर जो साइकोलॉजी है वो आपकी सेट करनी पड़ेगी कि भाई हम जो गाड़ी है वो भारतीय रास्तों पर चला रहे हैं और इनकी जो कंडीशन है अभी बन रहे हैं बहुत खराब है, तो ये आपको ध्यान में रखकर ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप नाराज़ हो जाओगे, आप में एंजाइटी आएगी और साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, यार क्या गाड़ी चला रहे हैं। तो ये कुछ मेरे अनुभव थे, आशा करते हैं आपको कुछ इन अनुभवों से जानकारी मिली हो। धन्यवाद। हम पार्किंग लॉट में हमारी कार को पार्क कर रहे हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे। कार हमने यहाँ पर पार्क कर दी है और यहाँ से ये काफ़ी लंबी कतारें खड़ी है और अब हम जा रहे हैं गोल गुमज की तरफ।